जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज उन्हें एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप सबकी शिकायतों का निराकरण करने के लिए। आप मुझसे बार बार शिकायत करते हैं कि गुरु जी आप लगन की बात करते हो, आप राशियों के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते हो। तो आज मैं सबसे पहले राशियों के बारे में ही बोलना पसंद करता हूं। कैसे होते हैं सिंह राशि वाले, क्या पहचान है सिंह राशि वालों की, कैसा व्यक्तित्व होता है सिंह राशि वालों का। तो आज जो हमारी चर्चा है उसका मेन फोकस राशियों का, कैसे होता है इनका व्यक्तित्व, कैसी होती है इनकी पर्सनैलिटी, कैसा होता है इनका चाल चरित्र कर्म और क्या होती है इनकी खासियत, उन सब की चर्चा है। एक एक बारीक से बारीक पॉइंट को आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका फायदा जो आपको होने वाला है वो ये होने वाला है कि गलती से अगर आपको अपना जन्म की समय, जन्म की तारीख या जन्म की राशि पता नहीं है तो अपनी व्यक्तित्व के आधार पर, हमारी इन खासियतों के आधार पर जो मैं आज आपको बताने वाला हूं उसके आधार पर बहुत आसानी से आपको पता चल सकता है कि आप किस राशि के हो। तो आज की इस चर्चा का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है उसका केंद्र बिंदु है हमारी 12 राशियां और उनका व्यक्तित्व और उनका चरित्र। तो हम इन सब के बारे में चर्चा कर प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे एक और चीज के बारे में। हमें बार बार शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमारा राशिफल बता दो, गुरुजी हमारी राशि क्या है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे जब आपसे कहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के इस आइकन को दबाएंगे, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन बेल का आइकन नहीं दबाया तो दोबारा से वो हमारे बेल के आइकन को अवश्य दबाएं हमारे चैनल पर जाकर। तो निश्चित रूप से जब जब हमारा या गुरु रुक्मणी का या स्वामी राज ऋषि का रोजाना का राशिफल, जो वो रोजाना राशिफल देते हैं, वो आपको अपने आप उसकी नोटिफिकेशन यानी उसके रिलीज होने की सूचना कि आज इतने बजे रिलीज हुआ है, जैसे ही वो रिलीज होगा आपके पास सूचना आ जाएगी और आप उसे अपनी फुर्सत के अनुसार उसको देख सकते हैं। हमारे आज तक आपको 3000 से अधिक वीडियो विभिन्न धार्मिक विषयों पर आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और हमारा जो मेन फोकस है आपको अपने ज्ञान के द्वारा आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का है। कोई हम आपको किसी भी प्रकार की पूजा के लिए या पूजा के नाम पर होने वाली लूटपाट के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं। हम तो आपसे कहते हैं कि हम जो कंसल्टेशन के लिए बहुत छोटी सी फीस जो आपसे ली गई है उसका इतना सदुपयोग होता है कि सबसे पहले तो वो कंसल्टेशन की फीस हमारे यहाँ जो है किसी को निजी रूप से नहीं दी जाती, उसका जो उपयोग है पूजा पाठ में, यज्ञ हवन में, प्रसाद वितरण में और विभिन्न जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं, जैसे हमारे द्वारा जो गरीब बच्चियों के लिए कंप्यूटर के कोर्स चलाए जाते हैं और उनके स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है उसमें भी उनका उपयोग होता है। तो आपके द्वारा जो हमें एक जो बहुत मामूली सी फीस हमें रखी हुई है उसका 1 रुपया भी हम अपने और अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च नहीं करते हैं, तो आपको तो इस बात पर गर्व होना चाहिए। इसके अलावा भी आप जो हमसे बार बार शिकायत करते हैं कि गुरु जी फिर आप इस पैसे का उपयोग क्या करते हैं, तो हमने आपको बता रहे हैं हमारा ये मेन उपयोग है। इसके अलावा भी आप जो हमें कंसल्टेशन के नाम पर या हम कंसल्टेशन की बात करने के कारण जो हमें पैसा देते हैं वो मेन काम तो उसका पूजा में इस्तेमाल होता है, वो आपके लिए हम निश्चित रूप से अगले दिन पूजा करते हैं। अगर आज आपने हमसे ये कंसल्टेशन ली है तो निश्चित रूप से दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन कल हम आपके लिए भगवान से अवश्य पूजा और प्रार्थना करेंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। और ऐसा हम उस दिन से करते चले आ रहे हैं जिस दिन से हम इस धर्म की लाइन में प्रवेश किया है हमने। तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा यहां पर सदुपयोग होता है, उसका किसी भी रूप में
कोई भी दुरुपयोग नहीं किया जाता। दूसरा, हमारे जो स्वामी राजऋषि जी हैं, उन्होंने आप सबके लिए अपनी पढ़ाई के बीच में से, जो वो एमटेक कर रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, बहुत रेपुटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल से आपके लिए रोजाना का एक समय फिक्स किया है, उसमें वो आपके लिए डेली का राशिफल, आज का राशिफल, आपके सितारे रोजाना आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, और साथ में बहुत जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए वीडियो कॉल भी स्वामी राजऋषि से बुक की जा रही है। आप चाहें स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों में से किसी भी नंबर पर संपर्क करके या वेबसाइट के माध्यम से हमसे संपर्क करके अपनी वीडियो कॉल, चाहे वो आप हमसे बात करना चाहते हैं या गुरु मुनि से बात करना चाहते हैं या स्वामी राजऋषि जी से बात करना चाहते हैं, तो आप अपनी वीडियो कॉल बुक करा सकते हैं। और इसके अलावा आपसे कहना चाहेंगे, हमने पिछले 2 हफ्ते से संडे के दिन जितने भी मोबाइल फोन है उनको उठाना बंद कर दिया है, तो कृपया आप जब भी कॉल करें हमें, सोमवार से लेकर शनिवार तक आप कॉल करिए, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपकी कॉल निश्चित रूप से उठाई जाएगी उस पीरियड में। लेकिन अगर आपको कॉल बिजी लग रही हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमने आपको 5 नंबर दिए हुए वीडियो कॉल करने के लिए, इन 5ों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन इतनी कॉल्स आती हैं कि बार बार फोन एंगेज आता है, ऐसी भी आप शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस पर हम कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो हमें इन में से नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता है, तो निश्चित रूप से उसके व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। और जो व्यक्ति पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं संडे के दिन, बाकी किसी दिन करीब भी कर सकते हैं लेकिन स्पेशली संडे के दिन ही टाइम लेकर मीटिंग करना चाहते हैं, तो उनको केवल और केवल हमारा जो लैंडलाइन नंबर है उस पर 11 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में कांटेक्ट करना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे राशियों की व्यक्तित्व के बारे में, किस तरह की राशि वाले लोगों का किस तरह का व्यक्तित्व होता है। तो आज की जो हमारी सबसे पहली चर्चा है वह है सिंह राशि वाले व्यक्तियों का चाल, चरित्र, क्रियाकलाप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे आप अपने आप को कि आप सिंह राशि वाले हैं। तो इसके पहचानने के लिए आप एक एक बात को हमारे इस वीडियो के दौरान आखिरी तक सुनते रहिए, ताकि आप अपने व्यक्तित्व को पहचान सकें और आप निर्धारित कर सकें कि आपकी राशि क्या है। आप स्वतः ही आप अपनी राशि को निर्धारित कर सकते हैं इस व्यक्तित्व के द्वारा, जो आज हम आपको इन राशि के व्यक्तित्व के बारे में आपको खास बातें बताने जा रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे सिंह राशि वाले व्यक्तियों की, सिंह राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, कैसा व्यक्तित्व होता है और जीवन में ये क्या करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सिंह राशि वाले लोग लीडर बनते हैं। लीडर जैसा इनका व्यवहार होता है, इनका खाना पीना रहना सहना और आचरण लीडर के लीडरशिप के अकॉर्डिंग ही होता है। इनको राजसी ठाट बाट और शाही खर्चे के कारण कई बार, या कह सकते हैं कि अक्सर इनकी जेबें खाली रहती हैं। ये लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग इनका आदर करें और इनके सामने झुकें, तो हर समय ये ढूंढते रहते हैं कि ऐसे लोगों को जो इनके सामने झुकते रहें और इनको केवल मान सम्मान देते रहें। इनको दूसरों के ऊपर हुकूमत करने की आदत होती है और इसीलिए यह चाहते हैं कि हर काम में दूसरे लोग इनके नीचे अथवा इनके पीछे रहें। यही कारण है कि अक्सर लोग इनसे नाराज हो जाते हैं। यह लोग चापलूसी करवाना बहुत पसंद करते हैं, खुशामद करवाना बहुत पसंद करते हैं। जो व्यक्ति इनकी चापलूसी कर लेता है, इनकी खुशामद करना जानता है, तो वह इनसे लाभ उठा सकता है। यह लोग जो सिंह राशि वाले लोग हैं रोमांस के बिना रह ही नहीं सकते। शादी से पहले इनका लव अफेयर चलता ही है। यह लोग प्रेमी या प्रेयसी के साथ बड़े बड़े होटलों में खाना खाएंगे, उपहारों की भरमार लगा देंगे, मगर इनमें ईर्ष्या की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोग कभी भी इस बात पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि इनका प्रेमी या प्रेमिका किसी दूसरे के साथ रोमांस करे या फ्लर्ट करे। और अधिकतर देखा गया कि ये लोग अपनी पत्नी को या अपनी प्रेमिका को नौकरी नहीं करने देते हैं।
सिंह राशि वाले व्यक्तियों का। यहाँ संतान की अक्सर कमी देखी जाती है कि इनको कम संतान प्राप्त होती है। यह लोग अच्छे सैनिक, अच्छे ऑफिसर, अच्छे पॉलिटिशियन, डायरेक्टर, आईएएस ऑफिसर, अभिनेता, प्रोफेसर बनने में सफल होते हैं, टीचर बनने में सफल होते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी बनने में सफल होते हैं। सिंह राशि के ऑफिसर अथवा मालिक अपने कर्मचारियों के गुणों और अवगुणों को अच्छी तरह पहचानते हैं और यह भी जानते हैं कि किस व्यक्ति से क्या काम लिया जा सकता है। ये लोग कर्मचारियों की गलतियों को निकालने के आदी होते हैं तथा उनको निरंतर काम करने की शिक्षा देते रहते हैं। अगर सिंह राशि वाले ऑफिसर का हुक्म ना माना जाए तो कोई कर्मचारी की गलती निकाले तो ये इमीडिएटली क्रोधित होकर अपने उस कर्मचारी को या अपने उस अधीनस्थ की नाक में दम कर देते हैं और आखिरकार उसे नौकरी से बाहर निकाल कर ही दम लेते हैं। ऐसे होते हैं सिंह राशि वाले लोग। सिंह राशि के जो कर्मचारी होते हैं स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं, किसी के अधीन काम करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता तथा दूसरों के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते। ये लोग शीघ्र ही अपने काम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। अगर इनका घरेलू जीवन दुख में हो तो निराश होने पर इनके करियर में बहुत बुरा असर पड़ता है। इनके साथी कर्मचारी इन पर शीघ्र ही विश्वास कर लेते हैं, कई बार तो ये स्टाफ एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियन के भी उच्च लीडर बन जाते हैं। सिंह राशि के कर्मचारी मेष, धनु और मिथुन राशि वाले अफसरों के नीचे काम करें तो विशेष रूप से उन्नति कर सकते हैं। अगर इनके बॉस की राशि वृश्चिक, कर्क तथा मकर हो तो इनको हमेशा निराशा हाथ लगती है। सिंह राशि वाले लोगों का जो शुभ वार है वह रविवार है। इनके शुभ जो नंबर है वो 1 और 4 है। इनका जो शुभ रंग है पीला, सुनहरा और नारंगी रंग इनको सूट करता है। इनका जो सबसे फेवरेट जो जेम स्टोन है वह है रूबी की अंगूठी। मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कराकर रूबी की अंगूठी पहनने से सिंह राशि वाले लोगों को निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। जय शनिदेव।